एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ मॉर्निंग में। अभी टाइम 11:30 हो रहे हैं और नहा के मैं फ्री हो चुकी हूँ। बस अभी थोड़ा सा रेडी होना है और फिर उसके बाद हमें कहीं काम जाना है और उसके बाद कहीं कैफ़े में भी जाना है। उसके बाद फिर उसके बाद हम निकलेंगे वापस चंडीगढ़ के लिए। तो अभी कुछ रूम का हाल देख रही हूँ। मैंने बैग बुक सारे ऐसे पड़े हुए हैं मेरे, सारा कुछ मतलब ऐसे खिला रखा हमने सब कुछ। और रही बात यार, ऊपर बहुत मज़ा आया सोने का। पहले मैं 2 बजे तक यहीं सो रही थी, फिर मैं ऊपर चली गई, फिर ऊपर जाके सोई, फिर जब सुबह हुई मतलब 6:30-6 बजे का टाइम था तो वो रोशनी आंखों में पड़ने लगी, मैं फिर नीचे आ गई, फिर मैं सोई नीचे आकर के। तो आंख खुली मेरी सीधी 11 बजे जा कर के, बट मज़ा आ गया सीरियसली सोने का यहाँ पे। मतलब ऐसे लगा मुझे जैसे मेरी पूरी 1-2-3 महीने की थकान उतर गई, मज़ा आ गया। ठीक है, एंड अभी चलते हैं, फटाफट से रेडी हो जाते हैं और इंजॉय करूँगी मैं अपना और तुम्हें भी करवाऊंगी साथ साथ में। होप सो आप मेरे ब्लॉग जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि अब मेरे जितने भी ब्लॉग्स आएंगे वो सारे ट्रैवल के आएंगे, सारे के सारे मैं ट्रैवलिंग के ही डालूंगी। मैं कहाँ जा रही हूँ, कैसे जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, सब चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। मैं हो गई हूँ रेडी बिल्कुल और पीछे भूज नदी बह रही है, ऊपर पहाड़ है, यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है, शायद से नया घर बन रहा है और बस अभी निकलने लग गए। और ये बालकनी का व्यू था पीछे का, मतलब बैक साइड का व्यू नहीं था इस बार कुछ भी खास, लेकिन जो भी था अच्छा था। तो अभी चलते हैं फटाफट से, लुक करा हुआ है आज, अच्छा वेदर है, बहुत अच्छा मौसम है, बादल बादल से है। पर यार मेरी बात करते करते पता नहीं क्यों सांस तेज हो जा रही है। रात भी मेरे को ऐसे हो रहा था, जब मैं वीडियोस बना रही थी तब भी मेरे साथ ऐसे हो रहा था। मेरे साथ अभी भी ऐसे हो रहा है कि जब भी मैं थोड़ा बात कर रही हूँ ना तो मेरे को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है ये। चलो अभी निकलते हैं फटाफट से। अभी हमने चेकआउट कर लिया यहाँ से और मैं निकल गई हूँ। बहुत सुंदर साइड वाला, बहुत अच्छी खुशबू है अंदर, बहुत सुंदर। बस अभी चलते हैं फटाफट से गाड़ी की ओर। ये है ATS कैफ़े, पूरे कसौल का नंबर 1 कैफ़े है ये। तो कोई भी कसौल आता है तो ATS कैफ़े ज़रूर आता है। हमें तो किसी ने बताया था कि यहाँ ज़रूर जाके आना होगा, तो मैंने तो बहुत इंजॉय किया, बिल्कुल रिवर साइड है, बिल्कुल रिवर साइड है, बहुत मज़ा आया। फिर मैं पहुँच गई हूँ ATS कैफ़े कसौल और बहुत ही सुंदर है और ये हट बना हुआ है, बिल्कुल देख लो आप। और इसके साथ में ये है बिल्कुल रिवर साइड व्यू और ये मैं हट में हूँ अभी। बहुत ही सुंदर व्यू है, सीरियसली बहुत सुंदर व्यू है, बहुत सुंदर व्यू है, सीरियसली मज़ा आ रहा है मुझे यहाँ पे। नेचुरल और नेचर वाला व्यू सिर्फ और सिर्फ हिमाचल में ही मिल सकता है यार, सीरियसली। मैंने मंगवाया था चिल्ली चिकन और तो फूड क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी है। पता नहीं शायद आप लोगों को मेरी आवाज़ कम पहुंच रही होगी क्योंकि नदी की आवाज़ आ रही होगी शायद से, तो हो सकता है आपको मेरी आवाज़ कम लग रही हो। तो फूड क्वालिटी इनकी ओके है, जो कसौल आएगा ATS ज़रूर आएगा। मुझे
इतना इंजॉयमेंट हो रहा है यहाँ पे, मतलब मैं इतना मज़ा कर रही हूँ यहाँ पे। मैंने रील्स बनाई जा रही हूँ और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पे। और अभी टाइम हो रहा है शाम के 4 बज रहे हैं अभी, और अभी जिस काम के लिए आए थे हम लोग वो तो हो गया था सुबह सुबह, तो ये ATS कैफे था, यहाँ पे हम 2 बजे आए थे, तो 2 घंटे कब निकल गए पता ही नहीं चला। और अभी शायद से हम और बैठेंगे, अभी कुछ नहीं कह सकते क्या चल रहा है। अभी निकल चुके हैं ATS कैफे से खा पी के और इंजॉय करके, और सच बोल तो मैं ना आधा घंटा सो भी गई थी वहाँ पे। सीरियसली इतना मज़ा आया ना मुझे, मतलब आधे घंटे की वो नींद और मज़ा आ गया ऑसम। तो बस अभी निकल गए, शाम के बज रहे 6, अभी देखते हैं क्या करना है। रूम तो हमने सुबह चेकआउट कर दिया था, अभी चेक इन करते हैं कि ड्राइव करते हैं ये नहीं पता। तो देखते हैं अभी क्या बनता है यार। यार मैं सच में सांस चढ़ रही है मुझे बोलते बोलते, मैं समझ नहीं आ रहा मुझे क्यों चढ़ रही है इतनी सांस, मतलब हाय मैं मरने वाली तो नहीं थी। पता चले सांस ना आने से हुई लड़की की मौत है, एक है लॉजिक मेरा ए कुछ भी। इन्होंने सामान ले जाने और उतारने के लिए मतलब ये चीज़ बनाई हुई है, बहुत ही सुंदर। बीच में नदी बहुत गहरी, बहुत सुंदर लग रहा है ये। चल में देखो जुगाड़ कैसे करो, इन्होंने रास्ता ऐसे निकाला और गाड़ी ऐसे निकाली पड़ रही है। थोड़ा सा भी गाड़ी का टायर इधर उधर हुआ ना तो दे तेरी धूम धड़क का हो जाएगा। तो तुम लोग साइड में निकाल लो, ये समझ नहीं आया सीरियसली, मुझे लॉजिक नहीं समझ आया। तो इसके ऊपर स्लैब डाल दो, पता नहीं मछलियों के दिमाग यार। ये देखिए व्यू, और ये सारे एप्पल ट्री है इधर वाली साइड, सारे एप्पल ट्री हैं ये। देखना दोनों कैसे सोई हुई हैं, जैसे मैं अंदर आई हूँ इन्होंने ना कंबल मुंह पे ले लिया कि हमें नहीं लेना। और मैं इतनी सी जगह पे सोती हूँ, इतनी सी जगह पे देखना, इतनी सी जगह पे ये सोती हूँ, इतनी सी जगह पे। ये है व्यू यहाँ का, बिल्कुल साथ में नदी बह रही है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये सारे जो है वो एप्पल ट्री आगे करते हो, वॉशरूम है यार बहुत सुंदर है। इधर नहाने वाले उन्होंने ना अलग से स्पेस कर रखा है इधर। ये है मेरा सेकेंड डे का रूम जो कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। और आगे हो जाओ यार, मैंने भी सोना, तुम दोनों ने कसम से गंद मचा रखा है पूरा रूम में, हटो यार। चलो मैं अभी फ़िलहाल थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद निकलते हैं कहीं खाने पीने के लिए, क्योंकि अभी रात का डिनर ही करना है तो यहाँ तो करेंगे नहीं, तो भी देखते हैं क्या करना है। लेटी हुई थी बेड पे, मेरी आंख लगी हुई थी मेरी, तो सडनली ना ऐसे जो जो से आवाज़ सी आई, मेरे को पता नहीं किस चीज़ की आवाज़ आ रही है। तो जब देखा एकदम से बाहर, तो क्या ही देखती हूँ, देखो भाई बारिश इतनी तेज हो रही है ना, बहुत ज़्यादा तेज हो रही है बारिश। ले लिया बहुत ज़्यादा, और सच में बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। मतलब जहाँ पे रूम लिया था तो वहाँ पे कुछ खाने का मुझे अच्छी वैरायटी नहीं लगी, मतलब जो मुझे खाना था वो मुझे नहीं मिला। तो अभी मैं यहाँ से जा रही हूँ पंचतारा में, और आज यहाँ पे है टेक्नो नाइट। डीजे तो पीछे टेक्नो चल रहा है आपको पता ही होगा, नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, इसको टेक्नो म्यूज़िक बोलते हैं। और वहाँ पर कुछ खा पी के यहाँ तो 3-4 बजे तक चले गए आई थिंक, सो ये टेक्नो नाइट, तो फिर यहाँ पर इंजॉय कर लेंगे। तो मौसम हो चुका है बारिश वाला, फुल टू बारिश हो रही थी यहाँ पे पहले, अब थोड़ी रुक गई है। तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग पैदल ही जाएंगे अब। तो यहाँ पे ना आगे बहुत
सुंदर एक शिवजी का मंदिर है, मतलब बहुत सुंदर शिवलिंग है। तो मैंने लास्ट जब मैं यहाँ से निकल रही थी ना, तब मैंने दर्शन किए थे, तो अभी मैं आप लोगों को भी दर्शन करवाती हूँ। मुझे सांस पता नहीं क्यों चढ़ आ रही है। हर हर महादेव, भोलेनाथ आप सबकी मनोकामना पूरी करें। सर सीरियसली मुझे लग रहा है मुझे ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है, कल से दो दिन से ज़्यादा मुझे दिक्कत आ गई है ये कि मैं कुछ भी बोल रही हूँ या पता नहीं क्या हो रहा है। डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा एक बार। कुछ हादसे ऐसे होते हैं ना, उनके बाद आपको बॉडी में प्रॉब्लम्स तो होती रहती हैं। चलो अंडे भी ना दी आज, अंडे ना नहीं अंडा। इतनी सांभर इतनी सांभर सांभर बड़ा, आओ 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 जल्दी करो। अरे चल तो एक मिनट तो मेरा खड़े होने का फायदा नहीं था। कोई सांभर भी ज्यादा लेगा तब भी होगी 20 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे। यार ये पैरों में बांधने वाले बहुत सुंदर है। सो मैं अभी आ गई हूँ वहां से रेडी वाले का दिमाग आके और थोड़ा मजा करा वहां पे, और एक मैंने चिकन रोल लिया था वो खत्म कर लिया। हल्की हल्की बारिश हो रही है, बिल्कुल हल्की हल्की बारिश हो रही है।
और ठंड इतनी है ना, इतनी ठंड है ना, माशाल्लाह चाय गए माशाल्लाह वर्ड बोल के मुझे अरमान मल्लिक की याद आ जाती है वो करता है ऐसे माशाल्लाह। चलो यानी खाओ, हमने क्या लेना हमसे, लेकिन अच्छा गंदे गंदे इशारे मत कर चुड़ैल। सो अभी हम जा रहे हैं रूम में, यार सेम प्रॉब्लम नहीं बोला जा रहा, सांस चढ़ रही बहुत ज़्यादा, ऐसे उल्टी सीधे काम कौन कर सकता है, सिर्फ मैं फोटो। तो अभी मैं बैठी ज़रूर थी वहाँ पे रिवर साइड रेस्टोरेंट पे, लेकिन ठंड का प्रकोप इतना बढ़ रहा था, इतना पड़ रहा था कि मुझसे बैठा नहीं गया और मैं रूम में जा रही हूँ अभी। बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा अत्यधिक, पता नहीं सर्दियों में क्या होता होगा यहाँ पे, यहाँ पे तो फुल टू गर्मी चल रही है चंडीगढ़ में। तो मैं निकल आई अभी यहाँ से, और जो मैंने इडली सांभर खुद अपने हाथों से बनाए थे वो मैंने वहीं पे खा लिए बैठ के तो एक चिकन रोल मैंने आते आते खा लिया था, अभी मैंने मटन चावल ऑर्डर करे हैं वो खाएंगे हम थोड़ी देर के बाद, क्योंकि थोड़ा थोड़ा खाने का तो मन था सबका। यार अंधेरा आ रहा है बहुत ज़्यादा ना क्लिप में, क्योंकि मैं अंधेरे से निकल रही थी अभी इस टाइम पे। तो चलते हैं फटाफट से चेंज वगैरह करते हैं, थोड़ा गर्म वाला नाइट सूट वगैरह पहनते हैं और खा पी के सजाते हैं। यार ये हर बार ही होता है, मैं ना कहीं भी जाऊँ, कहीं भी किसी भी ट्रिप पे जाऊँ, मुझे कुछ ना कुछ लेना ही होता है। तो पिछली बार आपको पता है कि मैंने जैकेट ली थी, टॉप लिया था, बहुत सी चीज़ें थी, इस बार फिर मैंने एक टॉप ले लिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा ही सुंदर है। तो लेने का कोई प्लान नहीं था, वो हैंगर में लगा हुआ था, देख के बंद कर गया। बाकी अगर ऐसे दिखा दूँगी तो आपको मज़ा नहीं आएगा देखने में, वैसे मैंने अभी ट्राई करके देखा घर पर तो मुझे अच्छा लगा, साइज आ गया, मुझे डाउट हो रहा था कि आएगा कि नहीं आएगा, आ गया। ठीक है, तो वही चीज़ है ना कि कहीं पर भी मैं ट्रिप पे जाती हूँ तो मैं मौका छोड़ती हूँ, पक्का एक चीज़ तो मैं पक्का लेती हूँ, चाहे जो मर्जी हो जाए, मतलब कुछ भी लेना चाहे, लेना ज़रूर है कुछ भी। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए चेंज चूंज कर लेते हैं, नाइट सूट में रिलैक्स होकर टीवी वगैरह देखते हैं, क्योंकि बाहर हो रही है बारिश, मौसम बहुत है अमेजिंग, मज़ा आ रहा है बहुत। अभी खाएंगे हम मटन चावल, थोड़ा रुक के खाएंगे एंड फिर सो जाएंगे। अभी रात के बज रहे 11:30 और मैं अभी बस फ्रेश हूँ, तो हाथ मुँह धो के लगती हूँ सोने, तो थक गए बहुत ज़्यादा। और इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड, करने ब्लॉग के साथ के लिए।